तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बेहद ही कमाल का वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स वीवो का जो है वीवो Y90 वो वीवो का सबसे बजट फ़ोन है। मात्र इसका प्राइस जो है वो 6,990 है, और 6,990 के बजट के फ़ोन में शायद किसी भी फ़ोन में इतने फीचर्स नहीं होंगे जो कि आपको वीवो Y90 में देखने को मिल रहा है। इतना कम प्राइस में इतना ज़्यादा फीचर, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो फ़ीचर्स कौन कौन से और उसके यूजेस क्या हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं फ़ोन के सेटिंग्स में, क्योंकि सारे लगभग फीचर्स जो है वो हमें सेटिंग्स में ही देखने को मिलेगा। तो सेटिंग्स में आते हैं, और इस सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहला जो फीचर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है फ्रेंड्स, जिसका नाम है स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन। तो स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कमाल का फीचर है फ्रेंड्स, वो है हमारा नेटवर्क स्पीड। तो नेटवर्क स्पीड को यहाँ से ऑन करना है। अब नेटवर्क स्पीड को ऑन करने के बाद क्या हुआ कि आप अपनी जब भी डाटा को ऑन करोगे तो क्या हुआ कि आपकी स्पीड जो कितनी KBPS दे रही है, ऊपर नोटिफिकेशन में यहाँ पे आ रहेगी कितनी MBPS दे रही है, वो सब आपको यहाँ पे शो करेगी। और इसी में दूसरा है बैटरी परसेंटेज। तो बैटरी परसेंटेज में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आउटसाइड द बैटरी आइकन भी कर सकते हो, यानी कि मैंने आउटसाइड किया तो 44% मेरी चार्ज है वो बाहर में मेरी शो कर रही है, और मैं यहाँ पे अगर इनसाइड करता हूँ तो वो मेरी अंदर में शो करेगी। और यहाँ पे आपको डाटा यूज़ का ऑप्शन मिलता है। तो डुअल कार्ड्स अगर आप सिलेक्ट करके रखे हो या फिर नेटवर्क इनेबल कार्ड रखे हो तो यहाँ पे आपने कितनी डाटा डेली यूज़ की है वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो अब चलते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर जाने के बाद यहाँ पे आपको फीचर्स देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, जिसका नाम है सिस्टम नेविगेशन। अब सिस्टम नेविगेशन ये है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको नेविगेशन गेस्चर में आना। अब नेविगेशन गेस्चर में आने के बाद हैव अ ट्राई करना। अब जैसे ही हम नेविगेशन गेस्चर पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा कि आपको ऐसे स्वाइप करोगे ऊपर की तरफ, तब जाके आपकी जो है बटन जो है वो काम करेगी। अब मानिए फ्रेंड्स कि हमें यहाँ पर जो है एग्ज़िट यहाँ पे हम करते हैं, अब और आपको समझाते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे नेविगेशन गेस्चर को ऑन कर देंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी जो ये बटन जो इसको हम लोग नेविगेशन कीज बोलते हैं, तो गेस्चर में आने के बाद यहाँ पे हमारी कीज जोड़ जाएगी। और आईफोन में आप लोग जैसा देखते हो कि ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तब आपकी बटन जो है वो वर्क करेगी, जैसा कि अभी आपने इंस्ट्रक्शंस में देखा कि ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तब जो वर्क करेगी, तो ऐसे ही करना होगा तब जाके आपकी बटन जो काम करेगी और आपके फ़ोन में एकदम बिल्कुल मैजिक सा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो नेक्स्ट फीचर यहाँ पे दोस्तों फ्रेंड्स हमारा है जोबी। अब जोबी में आने के बाद यहाँ पे तीन देखने को मिल जाए, स्मार्ट कैमरा, स्मार्ट सेंस और गेम मोड। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्मार्ट सेंस के बारे में। अब स्मार्ट सेंस क्या है, देखिए यहाँ पे स्मार्ट सेंस को ऑन करने के लिए आई एग्री पे क्लिक करना होगा, और जैसे आई एग्री पे क्लिक करोगे तो सिलेक्ट लोकेशन यहाँ पे कैंसिल करना है। अब यहाँ पे आपको सारे को ऑन कर लेना है। अब सारे को ऑन जैसे ही करोगे इसके बाद क्या होता है कि आप अपने होम पे हो, और डायरेक्ट आप लेफ्ट की तरफ स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे ऐसे इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ कि आपको शॉर्टकट में मतलब कोई भी यहाँ पे कुछ भी देखना, कोई भी मैच चल रहा है, स्पोर्ट है, मूवी है, जो भी फीच फेवरेट्स है, या फिर कितने डिग्री सेल्सियस है, या फिर क्या न्यूज़ है आज की, वो सब आपको यहाँ पे ही देखने को मिल जाएगा। मतलब इसमें कोई एप्लीकेशन को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ को देखने के लिए। इसी का नाम है फ्रेंड्स हमारे स्मार्ट सेंस। अब चलते हैं आगे की ओर। तो आगे हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा दिया गया एक फीचर जिसका नाम है फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड। तो फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड, तो Y90 में तो फिंगरप्रिंट है नहीं, तो यहाँ पर आपको फेस में चले जाना है, और फेस में आने के बाद यहाँ पे आपको फेस लॉक सेट कर देना है। फेस लॉक दिया गया है, काफ़ी फास्ट फेस लॉक है वीवो Y90 का। तो फेस लॉक के द्वारा आप लोग जो है वो ऑन कर सकते हो अपने मतलब फ़ोन को, लॉक को ऑन कर सकते हो, और काफ़ी फास्ट है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो नेक्स्ट फीचर के लिए आना है मोर सेटिंग्स में। तो मोर सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको फ्रेंड्स एक फ़ीचर दिखता होगा जो कि सबसे नीचे है, और सबसे नीचे यहाँ पे दिख रहा फीचर जो है ई वारंटी कार्ड। तो ई वारंटी कार्ड का मतलब फ्रेंड्स ये है कि आपने कभी फ़ोन खरीदा ऑफलाइन मार्केट से या ऑनलाइन मार्केट से, तो ई वारंटी कार्ड को अगर आप इनेबल कर लेते हो तो उस टाइम जो आपके ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में जो बिल दिया गया होगा, तो बाय चांस वो अगर आपका बिल कभी गुम हो जाता है, कहीं पे हेरा जाता है, उसके बाद क्या होगा कि आप जो है वो बिना बिल कहीं, बिना पेपर कहीं, कोई भी अपने फ़ोन की सर्विसिंग करवा सकते हो सर्विस सेंटर में, यहाँ पे ई वारंटी कार्ड अगर आपका इनेबल है तो काफ़ी लाजवाब फीचर है ई वारंटी कार्ड।
अब चलते हैं नेक्स्ट आगे के फीचर की ओर। तो आगे के फीचर को देखने के लिए यहाँ पे हमें आना होगा सीधे स्मार्ट मोशन में। अब स्मार्ट मोशन में स्मार्ट वेक है, तो सबसे पहले स्मार्ट वेक के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे को ऑन कर लेना है। अब इन सारे का यूजेस ये है कि आपके स्क्रीन जब भी लॉक है, यानी कि आपके फ़ोन जो है लॉक ब्लैक स्क्रीन है, तो उस समय जो आप ये सब कुछ टाइप करोगे, ड्रॉ करोगे, तो उसके बाद यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो आपकी खुल जाएगी या वो ओपन हो जाएगी जैसे आप अपने फ़ोन के लॉक को खोलोगे। तो ये काफ़ी इस सब कमाल का फीचर्स है। और यहाँ पे है सेकंड एयर ऑपरेशन। अब एयर ऑपरेशन में क्या है कि ब्लैक स्क्रीन के लेंस है और फिर है दूसरा एयर अनलॉक है। तो इन सारे का मतलब यहाँ पे आप लोग इंस्ट्रक्शंस में समझ ही चुके होंगे। मैं पूरी डिटेल्स में सभी फीचर के बारे में नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि मैं डिटेल्स में समझाऊंगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी फीचर पर डिटेल्स में वीडियो बनाऊँ, परमानेंटली वीडियो बनाऊँ, तो उसको क्या करो कि नीचे वीडियो के कमेंट कर देना, मैं उस फीचर पर डिटेल्स में पूरी वीडियो बना के आप लोगों के सामने ला दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो यहाँ पे स्मार्ट टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन, तो इसका मतलब ये है कि रेज टू वेक है, डबल क्लिक टू लाइट है। तो इसमें सबसे जो खास लगता है वो डबल क्लिक टू लाइट और डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन है। इससे क्या होगा कि अपने फ़ोन के स्क्रीन पे जैसे ही डबल टैप करोगे तो आपकी फ़ोन जो है वो ऑन हो जाएगी, और जैसे ही डबल टैप करोगे तो फ़ोन जो है वो ऑफ हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे इसी में है शेक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, तो मतलब फ़ोन को शेक करोगे तो आपकी फ्लैश लाइट जो है वो जल जाएगी। और फिर है स्मार्ट रिमाइंड। स्मार्ट रिमाइंड में ये है कि अभी कोई भी इनकमिंग कॉल आया है, मैसेज आया है, और उस समय आप फ़ोन के पास नहीं होते हो तो वो मिस्ड कॉल में बन जाती है। तो क्या होगा कि फ़ोन को आप जैसे ही फिर दोबारा टच करोगे तो वो आपको वाइब्रेशन देगी और उससे आपको पता चलेगा कि कोई भी मिस कॉल या फिर कोई भी मैसेजेज आया हुआ है फ़ोन में। अब लास्ट में स्मार्ट लो वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये है कि आप मतलब कभी भी कोई इनकमिंग कॉल आ रहा है, आपने फ़ोन को टच किया और आपके आई के वजह से वो कैप्चर कर लेगा कि आप कितनी दूरी से फ़ोन को रिसीव करो, और आपको वो उतनी ही रिंगटोन जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो आपको ज़्यादा रिंगटोन यहाँ पे इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऑटो हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो नेक्स्ट फीचर यहाँ पे है फ्रेंड्स हमारे स्मार्ट मीटरिंग। अब स्मार्ट मीटरिंग क्या है, अब देखिए स्मार्ट मीटरिंग अलाउ करते हैं। और स्मार्ट मीटरिंग में ये है कि आप मतलब आपके घर में कोई भी अगर स्मार्ट LED TV है तो आप ये मतलब फीचर को समझो नहीं तो, या फिर समझ ही लो, क्योंकि आप आने वाले ज़माने में तो स्मार्ट LED सबके घर में ही होने वाला। तो उससे क्या हुआ कि वाई स्मार्ट मीटरिंग के द्वारा आप अपने फ़ोन को जो है वो अपने LED TV के साथ कनेक्ट करके और तब जाके उसको क्या कर सकते हो कि अपने फ़ोन में जो भी चीज़ चलाओगे, म्यूज़िक, वीडियो, गेम वगैरह, वो सब आपकी बड़ी LED स्क्रीन पर चलेगी। तो काफ़ी कमाल का फीचर है ये सब। यहाँ पे स्क्रीन मीटरिंग को ऑन करके और ऑन करके यहाँ पे कुछ यूजर्स गाइड्स दिए जाते हैं, वो आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पे इसी में एक फीचर दिख रहा है दोस्तों, इसका नाम है 100। अब 100 क्या है कि आप अपने स्क्रीन को जो है वो छोटे कर सकते हो, यानी कि Y90 का स्क्रीन जो है वो 6.53 inches का है, तो उसको आप लोग जो है वो छोटा कर सकते हो, यानी कि जितने मन उतने पे एडजस्ट करके उसको चला सकते हो। इसका नाम 100 ताकि आपको एक हाथ से यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो नेक्स्ट फीचर यहाँ पे हमारा एस कैप्चर है। अब एस कैप्चर ये है क्योंकि देखिए दोस्तों, एस कैप्चर में ये है कि 3 finger swipe टू स्क्रीनशॉट, ये भी काफ़ी कमाल का फीचर। अगर आप 3 finger को अपने फ़ोन के स्क्रीन पर रख के और नीचे की तरफ स्लाइड करते हो तो आपकी स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा है स्क्रीनशॉट फ्लोइंग विंडो, मतलब आप अपने यहाँ पे वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन को एक साथ भी प्रेस करोगे तब भी आपके स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो जाएगी, जैसा कि स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे फिर है नीचे डिस्प्ले टच रिकॉर्ड वॉइस, मतलब कोई भी आप मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो एस कैप्चर के द्वारा, तो यहाँ पे रिकॉर्ड वॉइस होगा कि नहीं, डिस्प्ले टच होगा कि नहीं, वो सब आपको यहाँ पे दिया गया। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, तो आप सारे का इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, क्योंकि मैं अभी पूरी डिटेल्स में समझा नहीं रहा हूँ, हो सकता है कि आपको पूरी डिटेल्स में सारे वीडियो समझ में ना आए। अब यहाँ पे आते हैं ऐप क्लोन और स्मार्ट क्लिक, ये दो फीचर्स हमारे बच गए हैं। तो ऐप क्लोन में आते हैं, तो ऐप क्लोन में ये है कि आप अपने फ़ोन में WhatsApp, Facebook और Instagram की जो है वो ऐप क्लोन बना सकते हो। आप कैसे बना सकते हो इसके लिए यहाँ पे है ऐप क्लोन इंस्ट्रक्शंस, तो ऐप क्लोन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के और आप कुछ समझना, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं इस पर भी परमानेंटली एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना के आप लोग को दे दूंगा। लास्ट है हमारा स्मार्ट क्लिक। स्मार्ट क्लिक ये है कि आप यहाँ पे जिस भी चीज़ पे सिलेक्ट करके रखोगे, तो अगर आपकी फ़ोन लॉक है और आपकी स्क्रीन ब्लैक है तो आप अपने वॉल्यूम माइनस बटन को 3 seconds तक प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे जो भी चीज़ पे आपका टिक लगा वो आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे टर्न ऑन ऑफ फ्लैश लाइट पे है, तो मैं अगर वॉल्यूम माइनस बटन को 3 seconds तक प्रेस करूँगा तो मेरी फ्लैश लाइट जो है वो जल जाएगी। तो फ्रेंड्स,
यही वो कुछ फीचर्स है 25 प्लस बेस्ट फीचर्स है जो कि आपको आपके Vivo Y90 में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स इतने सारे फीचर्स आपको कोई भी 7000 के फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा, तो काफ़ी कमाल का फ़ोन है और काफ़ी कमाल के फीचर्स दिए गए हैं इस फ़ोन में Vivo की तरफ से। तो Vivo का बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कम बजट के यूज़र्स होते हैं, तो उनके लिए भी इतने सारे फीचर्स देकर Vivo ने साबित कर दिया कि Vivo फ्लैगशिप फ़ोन में भी नंबर 1 पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।